इरिटेबल बावल सिंड्रोम यानी IBS वो समस्या है जो ना आपको पानी पीने देती है ना आपको खाना खाने देती है, क्योंकि आप पानी पीते हैं या खाना खाते हैं तो कोई ना कोई समस्या आपके लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसी होती है जो आप परेशान होते हैं। लेकिन होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएं हैं आपके IBS को ठीक करने के लिए। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे इरिटेबल बावल सिंड्रोम यानी IBS की। IBS एक बहुत कॉमन समस्या है जो बहुत लोगों में होती है। पेट में ऐठन होना, मरोड़ होना, गैस का बनना, स्टूल में म्यूकस आना, इस तरह की समस्याएँ बहुत लोगों को होती हैं। तो किसी को IBS भी हो सकता है, सबको नहीं लेकिन किसी को हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे IBS के विषय में, बताएंगे आपको कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं IBS होता क्या है। IBS यानी इरिटेबल बावल सिंड्रोम वह स्थिति होती है कि जब आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, थोड़ा सा इरिटेबल हो जाती है। इरिटेबल इन द सेंस है उसके कॉन्स्ट्रिक्शंस होने लगते हैं, उसी स्थिति को IBS कहते हैं। IBS के बहुत सी स्थितियां हो सकती हैं। आपको डायरिया हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको दोनों हो सकते हैं, आपको स्टूल से म्यूकस आ सकता है, आपको पेट में ऐठन मरोड़ दर्द हो सकता है। तो IBS यही स्थितियां होती हैं जो IBS होती हैं। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं साथियों। जैसे सिम्टम्स हमने आपको बताए, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है, या आपको दोनों हो सकते हैं, आपके पेट में मरोड़ हो सकता है, दर्द हो सकता है, या आपके स्टूल में म्यूकस आ सकता है, गैस बन सकती है। यह सारे सिम्टम्स होते हैं इरिटेबल बावल सिंड्रोम के। कारण साथियों, IBS के कारण, IBS का कारण सबसे बड़ा तो इंटेस्टाइन का क्रैम्प्स हो सकता है, दूसरा आपका नर्वस कारण हो सकता है। नर्वस आपका ब्रेन ऐसे सेंसेस पहुंचता है कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन कॉन्टैक्ट करने लगती है। तीसरा आपको कोई क्रॉनिक डिजीज हो चुका होता है, वह स्थिति हो सकती है। चौथा आपका जो फ्लोरा होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, जब उनका ऑल्टरेशन होता है तो कॉन्स्ट्रिक्शन आ सकता है, बावल इरीटेट हो सकता है। इस तरह तमाम कारण हो सकते हैं आपके बावल के इरीटेट होने के। लेकिन समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताते हैं कुछ कारगर दवाएं जो आपके IBS को ठीक करने में मदद करेंगी। आपसे निवेदन करते हैं साथियों, दवाएं कारगर हैं लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। चलते हैं साथियों सफ़र पे, जिस पे आपको बताते हैं IBS को ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। एक साथियों कॉमन स्थिति आती है IBS में कि पेट साफ नहीं होता। आप मोशन के लिए गए, बहुत पतले उसमें आपका लंप में आपका मोशन हुआ, और मोशन करके जब आप स्टूल पास करके उठे फिर आपको स्टूल लगने लगा। तो अगर यह कांस्टेंट अर्जिंग हो IBS में, जो कि इसका सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है नक्स वोमिका। आप नक्स वोमिका 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं। जब आपके स्टूल आप मोशन कर लेते हो लेकिन आप फिर उठते हो, फिर आपको मोशन पर बैठना पड़ता हो या महसूस होता हो, उस स्थिति में बहुत अच्छी दवा है नक्स वोमिका IBS की। आप यह दवा लेकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक स्थिति साथियों IBS की आती है कि मरीज को नर्वसनेस हो, नर्वस डायरिया हो रहा। जब नर्वसनेस हो तो जैसे वो लोगों के कांटेक्ट में आता हो, लोगों से बात करता हो, तो उसको मोशन हो जाता हो या महसूस होने लगता हो और उसको वॉशरूम जाना पड़ता हो। तो अगर यह नर्वस डायरिया की स्थिति हो, नर्वसनेस के कारण आपको डायरिया महसूस होता हो और आपको IBS हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएं साथियों आर्जेंटम नाइट्रिकम। आप आर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके IBS को भी ठीक करेगी, आपके नर्वस डायरिया और नर्वसनेस को भी ठीक करेगी। खासतौर से बुजुर्गों और इंटेलेक्चुअल टाइप पर्सन्स में यह दवा बहुत हेल्प करती है। तो आप इस दवा को लेकर IBS को ठीक कर सकते हैं। एक स्थिति साथियों आती है कि मरीज को IBS की शिकायत है और उसको दूध बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता या दूध के बने प्रोडक्ट्स पदार्थ उसको डाइजेस्ट नहीं होते। तो अगर यह दिक्कत है और IBS की शिकायत है साथियों, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में दो बहुत कारगर दवा हैं। पहली दवा है नेट्रम कार्ब और दूसरी दवा है पल्सेटिला।
अगर आपको मिल्क एलर्जी है और मिल्क लेने से आपके डायरिया और पेट में दर्द मरोड़ सब होता है, आप नहीं ले पाते, तो आप नेट्रम कार 200 पावर की दो दो बूंद की तीन खुराक वीकली ले सकते हैं, और साथ में आप पल्स एटिला नाइग्रा 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। यह दोनों दवा मिलके आपको मिल्क एलर्जी को ठीक करके आपके IBS को ठीक करने में हेल्प करेंगी। एक स्थिति साथियों आ सकती है किसी मरीज में कि आपने कुछ खाया तुरंत आपको मोशन महसूस हुआ, तो अगर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की IBS की यह स्थिति हो कि आपको कुछ खाते ही आपको मोशन महसूस होता हो, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है एलोस सोकोटिना। आप एलोस 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। यह आपकी इस कैफियत को ख़त्म करेगी और स्टूल में जो म्यूकस आ रहा आँव आ रहा है उसको भी रोक के आपको ठीक करेगी। एलोस पाइल्स की भी बहुत अच्छी दवा है। एक स्थिति साथियों आती है कि आपको IBS की किसी मरीज को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की शिकायत है और उसके बहुत ज़्यादा पेट में गैस बन रही है और निकल रही है, तो अगर फ्लैचुलेंस की आपको शिकायत हो, कुछ भी खाना खाते हो तो गैस बनने लगती हो और आपको कमजोरी बहुत हो रही हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है सिंकोना ऑफिसनेलिस। आप सिंकोना ऑफिसनेलिस 200 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। यह दवा आपको स्वास्थ्य लाभ देगी और आपको फिट रखेगी। एक स्थिति साथियों आ सकती है किसी मरीज को कि सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो, तो अगर ऐसी स्थिति हो कि किसी मरीज में सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो और IBS की शिकायत हो, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की शिकायत हो, तो उसको ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है एलुमिना। एलुमिना 200 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार हर उस मरीज के लिए कारगर हो सकती है जिसको कॉन्स्टिपेशन बना रहता हो, स्किन उसकी ड्राई रहती हो, स्किन डिजीज उसके रहते हो, और जो मोशन पास होता हो पहले वह सख्त होता हो फिर वह मुलायम हो जाता हो, और जो स्टूल होता हो वह सीट में आपकी स्टिक कर जाता हो, स्टिकी स्टूल हो, तो अगर यह सिम्टम्स हो तो एलुमिना बहुत अच्छी दवा है। आप इस दवा को लेकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक स्थिति साथियों इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की आती है, आपने कुछ भी खाया आपके पेट में मरोड़ होने लगा, ऐठन होने लगा, क्रैम्प्स होने लगे और आपको यूँ हाथ रख के यूँ झुकना पड़ा, तो अगर यह स्थिति हो कि आपको पेट पे हाथ रख के झुकना पड़े, इतनी मरोड़ हो रही हो आपके पेट में, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कोलोसिंथिस। कोलोसिन 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार आप ले सकते हैं। यह दवा आपके एब्डोमिनल क्रैम्प्स को भी ख़त्म करेगी, पेट की मरोड़ ऐठन को ख़त्म करेगी और आपके डायरिया को भी सही करेगी और आपके IBS को ठीक करके आपको स्वास्थ्य लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है आपके पेट में गैस बहुत बनती हो, ऊपर के हिस्से में गैस बहुत चढ़ती हो और आपको IBS की शिकायत हो, आपके जो है कॉन्स्टिपेशन रहता हो, तो अगर यह स्थिति है साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कार्बो वेजिटेबलिस। आप कार्बोवेज 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। यह आपकी गैस की स्थिति को भी ख़त्म करेगी और आपके कॉन्स्टिपेशन को ठीक करके आपके मोशन को नॉर्मल करके आपको एसिडिटी हाइपर एसिडिटी में लाभ देकर IBS को ठीक करने में मदद करेगी। एक स्थिति साथियों आती है कि आपके लैट्रिन बहुत सख्त हो रही हो, आपको कॉन्स्टिपेशन हो और आपको IBS हो, तो अगर यह स्थिति है साथियों कि आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है और आपको कॉन्स्टिपेशन है, लैट्रिन बहुत सख्त हो रही है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है ब्राइनिया एल्बा। आप ब्राइनिया एल्बा 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। यह दवा आपके सख्त मोशन को भी सॉफ्ट करेगी और आपको स्वास्थ्य लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है IBS में कि आपने कुछ भी खाया फिर पानी ऐसा मोशन होने लगा, तो अगर यह स्थिति हो कि बिल्कुल पानी ऐसा मोशन होने लगे, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में दो कारगर दवाएं, पहली दवा है करोटन टिग्रिनम और दूसरी दवा है पोडोफाइलम पेनिकुलाटा। करोटन टिग 1 mg तीन खुराक 5-5 मिनट के फासले पर उस स्थिति में बहुत कारगर है जब आपके बिल्कुल पानी ऐसा लैट्रिन हो रहा हो, पानी ऐसा मोशन हो रहा हो, राइस वाटरी डायरिया हो, तो करोटन टिग उस स्थिति के IBS में बहुत कारगर है और पोडोफाइलम उस स्थिति में बहुत कारगर है जब आपके मोशन में बदबू भी बहुत होने लगे, पानी ऐसा मोशन हो रहा हो उसमें बदबू बहुत हो रही हो, तो पोडोफाइलम बहुत कारगर दवा है। तो इस तरह ये करोटन टिग और पोडोफाइलम दो कारगर दवाएं हैं जो आपके IBS में आपको स्वास्थ्य लाभ दे सकती हैं। एक स्थिति आती है साथियों कि खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको पेट में आधे घंटे बाद बहुत भारीपन आ जाता हो, बहुत गैस बनने लगती हो, गैस में गुड़गुड़ाहट होने लगती हो, तो अगर यह स्थिति हो साथियों कि आपको IBS की शिकायत हो, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की शिकायत हो
और आपके गैस निचले हिस्से में पेट के बहुत बनती है और खाना खाने से पेट में थोड़ा ही खा के आपको भारीपन पेट में महसूस होने लगता हो तो उस स्थिति की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। आप लाइकोपोडियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा गैस पेट के भारीपन को ख़त्म करेगी और आपको स्वास्थ्य लाभ देगी। एक दवाएँ थी साथियों IBS के विषय में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के विषय में, दवाएं साथियों बहुत कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लीजिएगा। मन में साथियों कोई क्वेरी हो तो हमें व्हाट्सएप करिएगा, कोशिश करेंगे आपकी बात का संतोषजनक जवाब दे सकें। अगर साथियों आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब करा होगा अन्य साथियों से सब्सक्राइब कराइएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।